हेलो लाइफ, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ एजुकेशन कैंप। एवं आम डिस्कसन करवा दशम श्रेणीर आम ज्यामिति बहर परिमिति आलोचना करवा पे आम पूर्व आम आलोचना करते अनुशीलनी 5 बी र एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर और चारि नंबर। तो यही वीडियो रे हमें डिस्कसन करवा पांच नंबर पाखर पार्ट टू रे। तो जो पे मोर पार्ट वन टी देखिना हो समस्ते मो चैनल को जाकि देखी नब मो चैनल को जब चैनल रो प्लेलिस्ट सेक्शन को गले प्लेलिस्ट रु तुम्हें पाइपर से लिखाई थोड़ा टेन्थ क्लास जेमोट्री। तो से ही जेमोट्री प्लेलिस्ट को तुम्हें ओपन कले जमितर समस्त वीडियो जमिति बहर तुम्हें सही पाइपर। तो जो पे देखी ना जाकि देखी नब पे पार्ट वन तुम्हारे अगर वीडियो दरकार तुम्हें सही पाइपर। जदि तुम्हारे बीजगणित वीडियो दरकार तुम्हें कौन कर लिखाई थोड़ा टेन्थ क्लास आलजेब्रा से ही प्लेलिस्ट को ओपन कले तुम्हें आलजेब्रा मैंने बीजगणित बहर समस्त वीडियो तुम्हें पूरा पार्ट वन पार्ट टू एमती पूरा सब गुड़िक पाइपर। तो या को पार्ट वन पार्ट टू करके डिस्कशन करुच्ची कारण या को पार्ट पार्ट करके डिस्कशन करार कारण हूँ कि वीडियो बेसी लॉन्ग होबनी शॉर्टकट रे सरब तुम्हें आराम से बुझीपार एवं तुम मन को बोरिंग लगे बुझीगल। तो से पार्ट पार्ट वाइज डिस्कशन करुच्ची। तो से मुझ प्लेलिस्ट रखीदे जो तुम्हें वीडियो सेक्शन को जाकि तुमको खोजापी पड़बनी तुम्हें प्लेलिस्ट को गले तुम्हें सबगुड़िक पूरा सीरीयल वाइज पाइपर। तो जो पे मो टेलीग्राम चैनल जॉइन ही ना जॉइन ही जीव टेलीग्राम रो लिंक मो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दीजिए तुम्हें सेठू जॉइन हो पारिबो नचे तो कौन करिबो ना जीव तुम्हें मैंने टेलीग्राम ओपन करिबो सेथिरे सर्च करले मध्ये हमर चैनल रो नाम मैथ एजुकेशन कैंप सेथिरे पळाय आसीबो। तो डेरी करिबानी आलोचना करिबा देखिबा हमर क्वेश्चन 5। पांच नंबर प्रश्न देला कोन ना वृत्तकलर संपृक्त चापर डिग्री परिमाप निर्णय कर। तो डिग्री परिमाप बाहर करने प्रथम प्रश्न देती कि जार व्यासार्थ 36 क्षेत्रफल 792 वर्ग मीटर। सेकेंड रे देला जार क्षेत्रफल 924 आउ वृत्तर क्षेत्रफल होउछि कोन ना 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तापर देती आउ जार क्षेत्रफल होउछि 231 आउ चापर दैर्घ्य देती 22। तले यार आंसर देखो केमती बाहर कर प्रथम आई रहा कौन ना लिखा आम उत्तर लिखा उत्तर देख कमी बाहर करवा ना मनकर वृत्तकलर चापर डिग्री परिमाप नहीं गल थीटा तेल व्यासार्ध हो आर इज इक्वल टू 36 तेल वृत्तकलर क्षेत्रफल सूत्र कौन थीटा बै 360 इंटू पाए आर स्क्वेर तेल से अनुसार पकईदे है ये को आम पकईदे ये है पकईदेला कौन है ना थीटाटा को आम नहीं बम पर्स को नहीं गले आम ये कौन हम ना 792 गुणन 360 गुणन 7 विभक्त 22 गुणन 36 गुणन 36 यहाँ को जब आम क्यासल करदेबा तेल आम आंसर के 70 बाहर या समाधान कले 70 ही बाहर है। तो समस्त देख 70 बाहर ना नहीं या चेक कर नब पे 70 बाहर ना नहीं देख या मैंने काटब तेल आम 70 ही बाहर। तापर नेक्स्ट जी सेकेंड एर प्रश्न देला कह मनेकर वृत्तकलर चापर डिग्री परिमाप हूँ थीटा है वृत्तर क्षेत्रफल होती वृत्तकलर क्षेत्रफल होती वृत्तकलर क्षेत्रफल केमी बाहर ना थीटा बै 360 इंटू वृत्तर क्षेत्रफल तेल से अनुसार आम पकईदे पकईदे बेलू ये थीटाटे रहीगला एति आम बाहर करदे बाहर करदे आम कैसे हम ना 135 हम। नेक्स्ट है थार्ड एर तेल मनेकर वृत्तकलर व्यासार्ध आम देने आर मीटर आउ चापर दैर्घ्य दे दी आम 22 मीटर तेल वृत्तकलर क्षेत्रफल आम गोटे सूत्र थी कि नहीं हाफ इंटू एल आर थी कि नहीं आम से पकईदे 231 इज इक्वल टू हाफ इंटू एलटा हूँ 22 आरटा दिहाइनी तेल आर इज इक्वल टू कहते हैं 231 गुणन 2 विभक्त 22 इज इक्वल टू कहते हैं 21 मीटर तेल मनकर वृत्तकलर चापर डिग्री परिमाप जब थीटा है चापर दैर्घ्य जब एल आम कमी बाहर थीटा बै 180 इंटू पायर तेल ये आम बाहर कैसे ना 22 इज इक्वल टू थीटा बै 180 इंटू 22 विभक्त 7 गुणन 21 तेल थीटा इज इक्वल टू एति जब आम समाधान करदे आम आंसर बाहर 60 डिग्री बुझीगला। तापर नेक्स्ट जी 6 नंबर देखा दुईट एकक इंद्रिक वृत्तर चापर डिग्री परिमाप समान हेले संपृक्त वृत्तकलर वृत्तकला द्वयर क्षेत्रफल अंतर केते हेबो जेते बेले प्रथम देला कि जेते बेले कथा हबो ना चापर दुईटर दैर्घ्य अंतर 25 मीटर और व्यासार्ध द्वयर समष्टि होउछि 80। सेकेंड रे देला चाप दुईटर दैर्घ्य आमर दैर्घ्यर समष्टि 50 आ व्यासार्ध द्वयर अंतर होउछि 24 है। तो आईटा जेमिति भारिबो सेकेंड सेकेंड आईटा आमर सेमिति पूरा डिटो सेमिति भारिबो है। तो देखो केमती बाहर कर ना वृत्तकलर क्षेत्रफल द्वार अंतर आमर केमी बाहर ना हाफ इंटू चाप दुईटर दैर्घ्यर अंतर गुणन व्यासार्ध द्वार समष्टि है। हाफ इंटू 25 इंटू 80 इज इक्वल टू के बाहर 1000 वर्ग मीटर जदि दुई रेटा को काटदेब ये है 40 40 25 को जब तुम्हें गुणीदेव 1000 बुझीगला। तापर नेक्स्ट देख
ଦେଲେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଏରେ ବୃତ୍ତକଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୂର ଅନ୍ତର ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ ଆମର ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚବିଶ ଇଣ୍ଟୁ ପଚାଶ ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଚବିଶ ଆଉ ପଚାଶ ତାହେଲେ ଚବିଶ ଇଣ୍ଟୁ ପଚାଶ ଦୁଇରେ ଯଦି ଆମେ କାଟିଦେବା ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ବାର ହେଲା ବାର ହେଇଯିବ ବାରରେ ପଚାଶ ତୁଲେ ବାର ପଞ୍ଚାଶ ଷାଠିଏ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଛି ପଚାଶ ଯେହେତୁ ଅଛି ଛଅଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଟାରେ ବାହାରିଲା ହଜାର ବର୍ଗ ମିଟର ଇଏ ବାହାରିଲା ଛଅଶହ ବର୍ଗ ମିଟର ବୁଝିହେଲା ତ ସମସ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ହେଲା ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ି ନେବ ଘୋଷି ନେବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଇଏ ଗଲା ଛଅ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ଏକକ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ତ କେମିତି ବାହାରିବ ଦେଖ ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଯାହା ଦେଇଥିଲା ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ସମାଧାନ ଦେଇଛି କ'ଣ କହିଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି ଏଇଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ତୁମେ ଏକ୍ସ ବର୍ଗ ଏକକ ନେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବା କି ନାହିଁ କି ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ବୋଲି କାହିଁକିନା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପାଏ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ବାହାରିବ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏ ବାହାରିଯିବ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଖାଲି ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ବାହାରିବ ନା ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ଆଇଟାକୁ ଦେଖ ବାହାର କରିବା ଦେଲା ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଲେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ତା'ର ଆମର ଯେଉଁ ଓ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜଟେ ଅଛି ଆଉ ବୃତ୍ତର ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏସିଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେବ ମାନେ ୟାର କର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ହେବ ଟୁ ଆର୍ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କାହିଁକିନା ଆର୍ଟା ଆମକୁ ଆଉ ଜଣା ଅଛି ଏଇଠି ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଏକକ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଏଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା କି ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ଦେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା କି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଲେ ବୃତ୍ତ ଯେଉଁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କି ନାହିଁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଏପଟରେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ତୁମେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଟା ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସରି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା କି ନାହିଁ କି ଏସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କ'ଣ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ବାହାରିଯାଇଛି ଦେଖ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଟୁ ଆର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୁ ଆର୍ ନ ଲେଖିକି ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବାହାର ଆମେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆର୍ଟାକୁ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପକେଇବା କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ପକେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା କି ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ଏଇଟାକୁ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଗୁଣନ ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଆମେ ରୁଟ୍ ଟୁ ଏଇ ଟୁଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ରୁଟ୍ ଟୁ ଲେଖିପାରିବା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଟୁ ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଯିବ ରହିଯିବ କ'ଣ ଖାଲି ରୁଟ୍ ରୁଟ୍ ଟୁ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ରୁଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମର ଥାର୍ଡ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଦେଖ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏବିସି ବୃତ୍ତରେ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ତାହେଲେ ପରିବୃତ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଓ କେନ୍ଦ୍ରଟା କ'ଣ ଓ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ ଓ ବିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମର ସେଇଠି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ବାଇ ପାଏର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ବି ଡିରେ ଓ ବି ଡି ହେଉଛି ଆମର କେତେ ନା ଓ ବି ଡି ହେଉଛି ଆମର 30 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କସ୍ 30 ଆମର କେମିତି ବାହାରିବ ବି ଡି ବାଇ ଓ ବି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କି ରୁଟ୍ 3 ବାଇ 2 ଲେଖିଦେବା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଡି ବାଇ
ओ बी तेल लिखीदे रूट थ्री बै कहीं कस तीस मूल्य के रूट थ्री बै टू से पकईदे रूट थ्री बै टू इज इक्वल टू बी बै ओ बी तेल ये आम कौन लिखिदा कि वज्रकोण कर दियो मैंने टू बी डी इज इक्वल टू रूट थ्री ओ बी तेल बी सी इज इक्वल टू कौन बाहर ना रूट थ्री ओ बी कि ना कहीं बी डी देख टू बी डी जो दे टू बी डी एटा टू बी डी इज इक्वल टू कौन बी सी से डायरेक्ट आम बी सी लिखीदे तापर बी सी इज इक्वल टू तेल कौन बाहर ना रूट थ्री इंटू ओ बी देना ना नाई ओ बी एटा है ओ बी मैंने के एक्स वाई पाई रूट ओवर यहाँ बाहर करते से आम ये पकईदे है ये होगा के रूट थ्री एक्स वाई पाई रूट ओवर एकक बुझेगा तेल तार दर्घ्य के जापार तो रूट थ्री सरी रूट थ्री एक्स वाई पाए तापर नेक्स्ट देख आठ नंबर देला दुईट वृत्तर व्यासार्ध देर बयालीस छपन तेल अन्य एक तृतीय वृत्तर क्षेत्रफल प्रथम प्रथमोक्त वृत्त द्वयर क्षेत्रफल समष्टि सहित सामान है तृतीय वृत्तर व्यासार्ध निर्णय कर तेल प्रथम वृत्तर व्यासार्ध हो बयालीस सेंटीमीटर है क्षेत्रफल हम पाए इंटू बयालीस होल स्क्वायर वर्ग एक सेंटीमीटर द्वितीय वृत्तर व्यासार्ध छपन है तार क्षेत्रफल सेमती सबुथर आम क्षेत्रफल सूत्र कौन वृत्तर पाए आर स्क्वायर तेल पाए इंटू छपन स्क्वायर सेमती तृतीय वृत्तर है आर जदि है क्षेत्रफल कौन हम पाए आर स्क्वायर वर्ग वर्ग एकक प्रश्न अनुसार आम पाइले कि पाए आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाए इंटू बयालीस स्क्वायर प्लस पाए इंटू छपन स्क्वायर तेल पाए आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाएटा जब आम कमन नहीं जाए ये हो बयालीस स्क्वायर प्लस छपन स्क्वायर तेल बयालीस स्क्वायर छपन स्क्वायर कहीं आम देख ये जो पाए आर स्क्वायर रहा है एपटे आम आर रहा तेल ये आम लिखीदे कौन कि आम एपटर कौन हम ना पाए पाए कैनसल हो जाए कनफ्यूज हेनि कि पाएटा कुआ गला पाए पाए कैनसल होती आर इज इक्वल टू आम ये तेल आम सरी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कौन हम एतिक रूट ओवर बयालीस स्क्वायर प्लस छपन स्क्वायर रूट ओवर तेल बयालीस स्क्वायर हो सतरश चौसठ छपन स्क्वायर होन हजार शहे छत्तीस तेल तार रूट ओवर तेल मिसेदेबा मिसेदे ये हो चारि हजार नौशर रूट ओवर तेल चार हजार नौश हो सतुरी सेंटीमीटर बुझीगला ये थी आम आठ नंबर नौ नंबर प्रश्न देला कहला गोटे वृत्तर सरी गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल गोटे वृत्तर क्षेत्रफल सहित सामान है वर्ग चित्र क्षेत्रफल जी वृत्तर क्षेत्रफल से परिसीमार अनुपात केव तेल वर्ग क्षेत्र बाहर दर्घ्य जब आम एकक नहीं जा क्षेत्रफल के स्क्वायर तेल पुनः वृत्तर व्यासार्ध जब आम आर एकक नहीं जा क्षेत्रफल के पाए आर स्क्वायर तेल आम ये लिखिपर कि प्रश्न अनुसार ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाए आर स्क्वायर तेल ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाए बाय वन लिखिपर कि नहीं तेल ए बाय आर इज इक्वल टू पायर रूट ओवर कहीं स्क्वायर जब उठेदे एपटे कौन हम पायर रूट ओवर होते वर्ग क्षेत्र परिसीमा बाय वृत्तर परिधि इज इक्वल टू आम कौन आम ये जो आम तार अनुपात बाहर करवा ना तो लिखिदे वर्ग क्षेत्र परिसीमा हूँ फोर ए वृत्तर परिधि हूँ टू पाए आर तेल ये आम के ना टू आम कैनसल हो टू ए तेल टू ए बाय आम कौन हो पाए आर ये जब कि नहीं तेल टू ए टू इंटु एटा हूँ आमर के ये आम ए गोटे नवा नहीं ए बाय आर डायरेक्ट नहीं जावा ए बाय आर टा हूँ कौन रूट पाए तेल रूट पाए पकईदे ये आम पाएटा अच्छे ये पाएटा अच्छी तेल पाए आ रूट पाए तो कैनसल हो खाली पाए रूट पाए तले तेल रूट पाए रहीगले टू रूट पाए होमर आंसर बुझीगला तो आम आंसर कौन है ना आम पाइले टू रूट पाए तो आम ये लिखिपर कि नहीं टू रूट पाए मैंने ये आम कौन हम ना दुई अनुपात रूट पाए रूट पाए हे कि नहीं वर्ग क्षेत्र और वृत्तर परिसीमार अनुपात कद दुई अनुपात रूट पाए तापर नेक्स्ट देख दस नंबर देला कहला गोटे वृत्तर व्यासार्ध हूँ पाँच यार नौ गुण हूँ कौन क्षेत्रफल विशिष्ट वृत्तर व्यासार्ध के हेला ताले वृत्तर व्यासार्ध हम पाँच सेंटीमीटर नहीं गले ताले क्षेत्रफल के हम पाए आर स्क्वायर पाए इंटू पाँच वर्ग ताले मन कर एक वृत्तर व्यासार्ध हो आठ सेंटीमीटर ताले वृत्तर क्षेत्रफल के हम पाए आर स्क्वायर ताले प्रश्न अनुसार पाए आर स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन इंटु पाए इंटु पाँच स्क्वायर ताले आर स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन इंटु फाइव स्क्वायर ताले आर इज इक्वल के हम थ्री इंटु फाइव ताले ये जीवा पंदर सेंटीमीटर ताले वृत्तर व्यासार्ध के हम पंदर सेंटीमीटर ताले एतिक आमर कौन कि समस्त क्वेश्चन रमर आंसर आम जो रही है नौ नंबर दस नंबर आम दस नंबर पर्यटन डिस्कसन करवा ये पार्ट टू रे तो नेक्स्ट आम एगार नंबर पाखर पार्ट थ्री डिस्कसन करवा तो चैनल जो मैंने नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर जो मैंने करन करदेव तो जो पे टेलीग्राम जॉइन होना जॉइन हो एवं ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने जमा ही भूलिबनि पिले माने नोटिफिकेशन ऑन कर नचे तुम मान पाखकु नोटिफिकेशन जीवनी बुझेगा समस्त सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर
तो वीडियो टी भल लगी गोटे लाइक करदेव और सब सांग वीडियो टी शेयर करदेव। तो बहुत जल्दी आम तुम जो एग्जाम हाँपाई जाऊँ एक तारिख रु समस्त एग्जाम रुटीन देदेले तो एग्जाम जो एक तारिख हाँपाई जाऊँ तार आम हापी एलि जो हाँपाई जाऊँ षाठमासिक तार आम क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी डिस्कसन करवा। समस्ते भल भाव पढ़ापढ़ी प्राक्ट स्टार्ट कर दि जमा भी वेस्ट करनी टाइम। आज शनिवार गला रविवार जीवर सोमवार गले मंगलवार दिन परीक्षा बुझेगा तो आउ हाथ में कहला भाला टोटाल आउ दुई दिन मझे टाइम रहा तो समस्त टाइम वेस्ट न करके भल भाव पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर दि। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।